एंड बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? और मैं हूँ आयशा। जानते तो हैं सभी, तो मैं इनका बता दूँ, एक दफा जो नए सब्सक्राइबर्स आए थे उनको बता दूँ ताकि वो फटाफट जो है ना फरमाइश ही है, स्टैंड अप कॉमेडी है कृष्णा की, और जो है अबाउट बॉलीवुड, स्टफ अबाउट बॉलीवुड, या स्टफ अबाउट बॉलीवुड, और उसको करेंगे रिएक्शन नेक्स्ट वीक। या की जो तो ये मेरे बहुत फेवरेट है। तो अभी जो है ये फरमाइश आई हुई थी, मैंने कहा यार इस पे करते हैं, मतलब थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा और थोड़ा मजा भी आ जाएगा। और गाइज जो है पार्डन मी यार, अगर मेरे मतलब वो एक्सप्रेशन समटाइम ना वो अक्सर लोगों ने लिखे होते हैं कि यार ऊपर, मैं मतलब मैं क्या कहूँ, मुझसे ना नेचुरल भी बात करती हूँ ना मैं, मतलब नॉर्मल बात कर रही होती हूँ तो उसमें भी मेरी ईगो हो रहा होता है, मेरी मतलब क्या कहूँ ऐसे। A lot of the people in this room are young, and so most of us we grew up around the 90s, right? And there are certain things that we could not have done with our lives, just considering we were born then. Like we couldn't have been astronauts. हमारे पास वो exposure था ही। आप सोचो UK और US में बच्चे क्या देखते थे? Apollo 13, Close Encounters of the Third Kind, 2000 Hour Space Odyssey, ET. We didn't have any of that. बॉलीवुड से जब हमने एलियन मांगा तो उन्होंने हमें क्या दिया? जादू नहीं, धोखा, फरेब, एक छोटा नीला खजूर। चलते हैं।
बच्चों को हरा रहे हैं क्योंकि दस वाले टाइम में 28-28 साल के 7-7 फुट के घोड़े हैं और बच्चे अभी भी बच्चे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे इस वक्त आसमान में उड़ने लग गए हैं काफी क्लेवर स्ट्रैटेजी अपनाते हुए बच्चे काफी यूनिक अप्रोच है दे जस्ट एक्सेप्टेड इट इट वाज जस्ट लाइक हां बच्चे तो उड़ते हैं बच्चा चिड़िया एक ही बात है आपके बच्चे भी उड़ रहे हैं डॉक्टर के पास ले जाओ The alien is the most believable thing about that film. And what an alien! What an alien! He traveled across light years and galaxies. And then Ritika Chashma apar ke chala gaya bas. He's a replacement for a LASIK operation. Baki kuch nahi ukhada. Kuch nahi ukhada hai. Aur ye baat bata, science fiction picture aap sabne dekhi. Star Wars dekhi hogi, Interstellar dekhi hogi. उसमें कोई आलाप ले रहा था कोई लंबे चौड़े जैसे सूर्य लगा रहा था क्या तो ये एलियन वाली पिक्चर में उदित नारायण अलका यापले इनकी क्या जरूरत है अच्छे सिंगर है मैं मना नहीं कर रहा पर यहाँ क्या कर रहे स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर आलाप लेते हुए आया था क्या This
environment with adults, or adults tell other adults what they can and cannot do. Like a picture देखने जाओ, आपको बोलेंगे cigarette मत पीना। धन्यवाद। दबंग तू के पहले मेरी आँखें खोल ली। अब picture देख लो। I was watching a war movie recently, and there was a guy in this film, a soldier smoking a cigarette. A warning comes up that says cigarette smoking is injurious to health. There is a war going on. That cigarette is the safest thing on screen right now. If you compare it to tanks and bullets, that cigarette is like green tea. It is healthy. Aur ye kaha ka logic hai? Upar se bomb gir rahe, banda sutta bhi nahi marega. What do you want it to think? Samne se goliyan chal rahi, par kahin cancer na ho jaye. Good, amazing. बहुत ही मजा आया, बहुत जबरदस्त रोस्ट किया. वैसे मैंने इस तरह से पहले कभी सोचा नहीं था, मतलब फ्रिज के बारे में कि जो है एलियन और जो है कि उसको इस तरह भी जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया, लाइक इट्स लवली. मुझे मजा आया, एंजॉय किया बहुत ज्यादा. और जो है वो जो ओम वाला पार्ट था ना, मुझे उससे याद आ गया है कि मैं अक्सर जब ऐसे सो जाती हूँ ना, मतलब सोच में, तो जो है ना मेरा भाई वो कहता है कि आप मतलब कनेक्शन कर रही हो, कि वो जादू वापस आ रही, जादू आ रहा है, जादू के साथ कनेक्शन मिला रही हो. सो गाइस मतलब इट्स लवली. और ये मूवी जो है लाइक उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़े की लगती थी, ऐसे लगता था कि वाह कि यार मतलब हम कभी करेंगे या कुछ इस तरह करेंगे तो एलियन जो है तो इतना अच्छा था, एलियन जो है वो वाकई आ जाएगा. लेकिन इस मूवी का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जादू से पहले ना ऐसे एलियन से डर लगता था, वो एलियन का नाम लेता था, ऐसे लगता था एलियन जरूर भी आ जाएंगे. कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं वो चलती रहती थी ना, तो जी एलियन कब्जा कर लेंगे जमीन पर, ये वो टाइप की, तो लगता था कि पता नहीं एलियन खौफनाक से कोई भी इंग्लिश मूवीज में जो होते थे डीप से उनके सर ऐसे करके, मुझे मूवीज के नाम जो मेरी फैमिली बहुत एक्टिव कमजोर है तो मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, तो वो उसमें होता था एक एलियन इतना डीप का और वो ना, तो ऐसे लगता था हाँ ये हमारी मतलब वो कब्जा कर लेंगे. बट जादू को देखने के बाद लगा अच्छा एलियन, ओहो एलियन यार काश एक जादू हमारे पास भी आ जाए एलियन, तो इसलिए जो है मजे का ही राइट. और बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि आप सब भी जो है वो इंजॉय करेंगे. और वो जनाब जिनकी फरमाइश में हमने ये वीडियो बनाई है वो भी बहुत खुश होंगे. तो देखते रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए. और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो फौरन से आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हम मामूदत आ गए हैं. और फेसबुक पर जरूर चाहिएगा, फंडामेंटल का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, और मेरा भी फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम पेज भी है. आई थैंक यू 361 फॉलो मी देयर, और देखते रहिए फंडामेंटल.